मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सप्ताह ही राशि फल जानने अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हूँ आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशि फल लेकर। 15 अगस्त से 21 अगस्त के साप्ताहिक राशि फल आपके लिए क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण उपाय लेकर आया हूँ, सभी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशि फल के बारे में। 15 अगस्त से 21 अगस्त का साप्ताहिक राशि फल आपके लिए क्या विशेषता लेकर आया है। राशि फल जानने के पूर्व आपको एक महत्वपूर्ण सूचना मैं अवश्य दे दूं। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी के लिए मैं दोपहर के 12 बजे डेली दोपहर के 12 बजे आप सभी के लिए ज्योतिष सिखाने के वीडियोस लेकर उपस्थित हो रहा हूँ, जिससे आप ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान पूर्ण रूप से अध्ययन कर पाएंगे, ज्योतिष को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, ज्योतिष के प्रति जो रुचि है उसको पूर्ण रूप से और बढ़ा पाएंगे। इसलिए आप ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप डेली दोपहर के 12 बजे ज्योतिष का पूर्ण रूप से ज्ञान अध्ययन करने के लिए हमारे डेली दोपहर के 12 बजे ज्योतिष के सारे अध्याय पढ़ के ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान पूर्ण रूप से अध्ययन कर पाएंगे। वहीं पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आज मुझे कई लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखते हैं कि जो मैं राशिफल बताता हूँ वो राशिफल आप पर घटित नहीं होता है। तो आप पर राशिफल इसलिए घटित नहीं होगा क्योंकि आप लग्न कुंडली से राशिफल देखते हैं। देखिए, लग्न और राशि दोनों ही अलग प्रकार की है। लग्न कुंडली एक अलग प्रकार है, चंद्र राशि एक अलग प्रकार है। लग्न हमारे व्यक्ति जैसे मनुष्य की एक बॉडी एक समान होती है, एक स्त्री की बॉडी एक समान होती है, उसी प्रकार से हमारी लग्न एक समान होती है किंतु चंद्र राशि अलग प्रकार है। चंद्र हमारे व्यक्तित्व को हमारा माता के प्रति व्यवहार कैसा है, पिता के प्रति व्यवहार कैसा है, वो चंद्र राशि से वो ग्रह के अनुसार जो फल दे रहे हैं उनके अनुसार पता लगा सकते हैं। लग्न एक शरीर की आकृति हो गई, ढांचा हो गया मनुष्य की, और एक स्त्री की बॉडी जैसे सभी की एक प्रकार होती है, उसी प्रकार लग्न सभी की एक प्रकार होती है किंतु चंद्र राशि हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। ग्रह गोचर हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे हमारा पढ़ाई में रुचि कैसे, हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, हमारे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में चंद्र राशि के आधारित और ग्रह गोचर के जो फल उस समय प्रभावित होते हैं उनके अनुसार, क्योंकि लग्न एक एक घंटे की होती है किंतु चंद्र राशि सवा दो दिन की होती है। इसलिए आप जब भी राशिफल देखें, किसी भी चैनल पर देखें, किसी भी यूट्यूब पर देखें, टीवी पर देखें, या कहीं भी सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो आप उसे चंद्र राशि से देखें। जब भी वो आप पूर्ण रूप से घटित होगा, जब भी उसके पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होंगे। अब हम इस समय ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं। इस समय ग्रह गोचर की अगर हम बात किया तो वृषभ राशि पे इस समय राहु देव विराजमान रहेंगे, वृश्चिक राशि पे केतु देव विराजमान रहेंगे, वहीं कर्क राशि पे इस समय स्वतंत्र सूर्य इस समय विराजमान है, सिंह राशि पे मंगल बुध और शुक्र तीनों ही इस समय विराजमान है। बुध जो कि 9 अगस्त 2021 से इस समय सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। देव गुरु बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में वक्री है जो कि उल्टी चाल चल रहा है। वहीं से सप्तम दृष्टि इस समय तीनों ही ग्रह पे बुध शुक्र चंद्र पे बुध शुक्र मंगल पे इस समय डाल रहे हैं। सप्तम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं जो कि देव गुरु बृहस्पति है। वहीं पर शनि अपनी स्वयं की राशि पर उपस्थित होकर शशनामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। मकर राशि पर उपस्थित होकर चंद्रमा की अगर हम बात की जाए, चंद्रमा इस समय तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर प्रभावित होंगे। क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में तुला राशि पर, सप्ताह के मध्य वृश्चिक राशि पर, सप्ताह के अंत में धनु राशि पर इस समय विभाजित होंगे। देखिए इनका क्या परिणाम होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। इस समय व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे। जो अधिक समय से जो कार्य रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे। इस समय कार्य जो अधिक समय से रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे। जो बड़े भाई बहनों से जो अधिक समय से जो मन मुटाव चल रहा था वो समाप्त होगा। इस समय बड़े भाइयों का आप अगर सहयोग करते हैं, कोई भी उनके कार्य में हाथ बटाते हैं, उसमें एक आपका व्यक्तिगत जीवन में एक अलग प्रतिष्ठा प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके व्यक्तिगत जीवन में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यों में इस समय आगे बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे। सामाजिक कार्यों में सोशल वर्क में आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, लोगों के इस समय कार्यों में हाथ बढ़ाएंगे। वहीं पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा कार्य, शुभ कार्य या कोई धार्मिक कार्य इस समय आपके माध्यम से अवश्य हो सकता है। खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता है। सप्ताह के अंत में इस समय आपका खर्च अधिक बढ़ सकता है किंतु पत्नी के माध्यम से उस खर्च पर नियंत्रण पूर्ण रूप से रहेगा। पत्नी का पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। अगर कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें पूर्णतः विजय के योग प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय कार्य क्षेत्र में जो ट्रेडिंग वाला, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस करते हैं वो नई मशीनें इस समय खरीद पाएंगे, कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा पाएंगे। वहीं लोग जिन लोगों की जॉब नहीं लगी इस समय जॉब लगने के योग प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे। सूर्यदेव को अर्घ अवश्य चढ़ाएं, शिव जी की अभिषेक अवश्य कराएं, शिव जी की आराधना करें। इससे जो नौकरी नहीं लग रही जिन लोगों की उनकी नौकरी लगने की योग हो, और जिनकी नौकरी लगी हुई है उनके लिए इस समय प्रमोशन की योग, इस समय सैलरी बढ़ने की योग इस समय प्राप्त होगी। जो आपके कलीग अधिक समय से आपको परेशान कर रहे थे, जो बॉस इस समय आपसे नाराज चल रहे थे, वो आपके पक्ष में, वो बॉस का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दो साथियों का इस समय पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपने भविष्य को लेकर जो अधिक समय से, पैसों को लेकर जो अधिक समय से चिंताएं थी वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही। इस समय भविष्य को लेकर एक निर्णय अवश्य ले पाएंगे। इस समय विद्यार्थी लोग हैं, जो स्कूल वाले लोग हैं और जो कॉलेज वाले लोग हैं, वो इस समय
यूपीएससी आईपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूर्णतः सफलता के योग बनते हुए, फिर सरकारी मामलों में इस समय अगर यूपीएससी आईपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अच्छे सफलता के योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के अंत में शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सावधान रहने का अधिक आवश्यकता है। शत्रु कोई ना कोई छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न इस समय करेंगे। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा शुभ कार्य इस समय अवश्य हो सकता है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। अगर आपको आज मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से लोगों से शेयर करें जिनके सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान ज्योतिष ज्ञानी को प्राप्त हो सके। समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।